हेलो फ्रेंड्स, माई ऑफ चैनल निधि सिंह में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए भरवा सब्जी में इस्तेमाल होने वाले मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। फिर आप चाहे इसको किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप इसको 8 से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आज मैं आपको, अगर आपके पास मार्केट वाला भरवा सब्जी मसाला है उसके साथ भी इसको मिलाकर बनाना बताऊंगी, और बिना मार्केट वाले सब्जी मसाले के भी दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा मसाला बनके तैयार होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये कच्चा मैंगो। एक मैंने यहाँ पे आम लिया है और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 प्याज और कुछ लहसुन की कलियाँ। तो सबसे पहले हम ये जो आम है इसको काट के और इसमें जो बीज है इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें निकालना है और बड़े बड़े टुकड़ों में सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए, प्याज को भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है और अदरक को भी, और ये जो मैंगो है, कच्चा आम है, इसको भी हम ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। अब हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार और हम सभी चीज़ें ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है। और अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और उसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ पेस्ट बनके तैयार होगा। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पास रेडीमेड भरवा सब्जी मसाला होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतना ज़्यादा मसाला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सोल्यूशन आज आपको मिलेगा। एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल और उसमें कुछ जीरा ऐड किया है, और उसके बाद 1 पिंच हींग हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें। और ये जो मैंने अभी मिक्सचर तैयार किया था, पेस्ट प्याज लहसुन का, वो सारी चीज़ों का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको चला देंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, अब हमने 1/2 चम्मच यहाँ पे हल्दी ऐड की है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। आप हल्दी कोई किसको अगर ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा हल्दी ऐड कर सकता है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके और अच्छे से चला दूँगी जिससे मसाले भी फ्राई होते रहें साथ में। और अब हम ढक के इसको 2 से 3 मिनट तक पका देंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। और ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट बाद कुछ ऐसा रहेगा। तो इसमें हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/3 चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें और अच्छे से इसको भी मिक्स करते हुए चला दें। तो ये देखिए, मसाला लगभग भून चुका है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने कच्चा आम यूज़ किया है तो कम अमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप ड्राई मैंगो पाउडर ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, गरम मसाले का पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और अब मेरे पास में ये स्टफ्ड वेज मसाला पाउडर था यानी कि भरवा सब्जी का मसाला, तो 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये मसाला है तो फिर ये मसाला बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर हमें 1/2 किलो भिंडी बनानी है तो उसमें तो ये पूरा डिब्बा ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम ये मसाला थोड़ा सा इसलिए ऐड कर दे रहे जिससे अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों चीज़ आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें ऐसे ही बना सकते हैं। और ये देखिए, मसाला बनके तैयार है। आप इसमें थोड़ा सा सौंफ वगैरह ऐड कर लें तो इससे मसाला बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मेरे पास ये रेडीमेड वाला रखा हुआ था तो इसलिए मैं इसमें मिला कर ही बनाती हूँ, जिससे कि चाहे जितनी ज़्यादा सब्जी हो आप इसको भर सकते हैं और इसको 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, मसाला भरवा सब्जी का मसाला बनके तैयार है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये इतना टेस्टी लगता है कि आप अगर इसको ज़रा सा सूखा ही खा लेंगे तो बहुत ही खट्टा चटपटा लगता है। ये देखिए, इस तरीके से इसको आप किसी भी सब्जी में भर के बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बिल्कुल शादियों में जैसे होटलों में बनती है उस तरीके से। ये देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कीजिए और मसाला ये बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मसाला कैसा बन के तैयार हुआ है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।